कोई हमको फोन करके ये नहीं बोलता है कि बेल का पौधा आ गया, कि आम का पौधा आ गया, लोग हमसे बोलते हैं दादाजी आ गए, नाना जी आ गए, पापा जी आ गए। इस कृत्य के लिए तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जो तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी सीमाओं में कम से कम वो काम जरूर करें अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए, इस ब्रह्मांड को बेहतर बनाने के लिए। जैसे मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने कहा यार एक पौधा ही लगाता हूँ, है ना। वो आके हमसे बोलते हैं कि सर आपने, आप 15 दिन पहले अगर मुझे पता चल जाता तो मेरी माँ का देहावसान हो जाता तो मैं शुरू करता हूँ। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे ना, सरकारों से बहुत उम्मीद मत करिए। उन्होंने बड़े धीरे से उससे पूछा तो वो माल कहाँ रखा है ताकि लोगों को पता ना चले। एक और हमारा बहुत महत्वपूर्ण है जो अंश रोपण है, इसमें ये अभी जिन समाजों में दाह संस्कार होता है उन्हीं समाजों में अंश रोपण किया जा सकता है, किया जाता है, क्योंकि हम उसमें वो पवित्र भस्म को लेकर आते हैं, लोग लेकर आते हैं, घर ले आते हैं। और हालांकि वो बड़ा मुश्किल है, अभी सिर्फ ताकतवर लोग कर रहे हैं, और ताकतवर समाज के ताकतवर लोग करते हैं, क्योंकि वो भस्म को घर लाना अभी भी थोड़ा सा हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। और कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि उसको नदी में विसर्जित किया जाना चाहिए, ये भी एक मान्यता है। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं आप मुट्ठी भर छोटा सा भस्म को घर लाइए, उसके बाद उसको गमले में खाद और मिट्टी में मिलाइएगा। आप पहले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 13वें दिन कर रहे हैं, बाकायदा बैनर लगा के कर रहे हैं, अंश रोपण लिखते हैं, और उसके बाद वो अपने शोक संदेश में लिख रहे हैं कि गंगा जली का पूजन इतने बजे और अंश रोपण इतने बजे। हालांकि ये विचारधारा के खिलाफ जाके हो रहा है, क्योंकि मान्यताएं हैं नहीं ऐसी। तो वो मगर बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को। तो वो लेके आते हैं भस्म को और गमले में 13वीं के दिन 10वीं के दिन जब ज्यादातर लोग रहते हैं तब वो गमले में खाद और मिट्टी में चुटकी भर मिलाते हैं, उसके बाद उसमें बीज लगाते हैं, कोई भी बीज रोप देते हैं। 10-15 दिन बाद सर जब वो बीज अंकुरित होता है तो कोई हमको फोन करके ये नहीं बोलता है कि बेल का पौधा आ गया, कि आम का पौधा आ गया, लोग हमसे बोलते हैं दादाजी आ गए, नाना जी आ गए, पापा जी आ गए। इस कृत्य के लिए तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जो तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे याद आता है नेहरू जी का जो अंतिम पत्र था कि जब मैं मेरी लाश जलाई जाए तो उसके बाद जो मेरी भस्म हो तो उसको देश के गंगा के कछारों में फैला दिया जाए, खेतों में फैला दिया जाए, ताकि मैं जीवन के बाद भी जो तो अनंत काल तक इस भारत भूमि की मिट्टी में उसके कणों में जो तो कण-कण में मौजूद घूमता फिरता रहूं। तो आपने जो ये प्रकल्प चलाया कहीं ना कहीं अंश रोपण, तो अंश का सीधा सा अर्थ है एक हिस्सा, और जब कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का अपने परिवारजनों की भस्म से जो है एक वृक्ष को रोपता होगा तो कितना मार्मिक और हृदय स्पर्शी यह दृश्य होता होगा, और उस पौधे को बढ़ते हुए देखना यह तो एक अलौकिक वो कह सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने अंग दान करते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम अपनी आंखों के द्वारा किसी दूसरे की नजर से देखेंगे, अपने हृदय से जो तो किसी दूसरे की धड़कन बनेंगे। तो उसी तरीके से जो ये आपका अंश रोपण है इसके लिए हृदय गदगद हो जाता है आपके इस प्रकल्प को सुनकर के ही, और जो लोग कर रहे हैं वह वास्तव में बधाई के साथ पात्र हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी रही हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का अपने परिवारजनों को अपने साथ रखने का इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। एक बात इस बारे में क्या कहा है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा है, लोग यही फील करते हैं। मैं बताऊं कि एक 21 वर्ष से हमारे सजल, हमारे कदम संस्था के प्रेमचंद लोधी जी के बेटे से सजल, उनका देहावसान हुआ, 21 वर्ष का बच्चा, सोचिए आप, सॉरी 21 से 28 ऐसा कुछ है, तो मगर फिर भी बड़ी यंग एज है। तो उसमें उनका बच्चे का निधन हुआ, उन्होंने अंश रोपण किया। अंश रोपण के बाद उनकी जो छोटी बिटिया थी यानी सजल की जो बहन थी, वो पौधे को 8 महीने तक चम्मच से पानी देती थी, सोचिए। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ सर, वो ये है कि ये इमोशनल भर नहीं है, इमोशंस तो हैं ही, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पापा की भस्म थी तो पापा के जानते हैं, तो पापा के मतलब माम पिताजी की, दादाजी की, ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। इसका साइंटिफिकल रीजन जो आप लोगों को ज़्यादा बताइएगा, उसका वैज्ञानिक पहलू, क्योंकि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि हमें हर एक चीज के बारे में अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्लियर करना चाहिए, कहीं ना कहीं वही धार्मिक मान्यताओं को थोड़ा सा आगे करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत इम्पोर्टेंट है इस अंशरूपण का। और वो ये है कि जो वो पवित्र भस्म होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जी। उस पवित्र भस्म में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पोटास होता है, फॉस्फेट होता है, और ये सब तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो उस पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जड़ से होते हुए तने में, तने से होते हुए पत्ती में, पत्ती से होते हुए फूल में, फूल से होते हुए फल में, फल से होते हुए बीज में, और बीज से फिर असंख्य पेड़ों में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए वो हमारे दिवंगत हैं, हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया में मौजूद रहेंगे। तो ये वाकई में मुझे भी अच्छा लगता है ये अभियान जब लोग करते हैं। इसमें अभी लगातार 2-3 दिन से हमारे यहाँ बहुत से होगा, पूरे हिंदुस्तान में हो जाएंगे। जब प्रारंभ किया होगा तब तो बहुत कम लोग आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धार्मिक मान्यताओं से छेड़छाड़ मानी जा सकती है। अभी भी बहुत फिर उसके बाद जो है तो अब किस तरीके से इसमें आपको देखने को नहीं, नहीं, अभी भी विरोध अभी भी होता है, विरोध अभी भी होता है, स्वाभाविक है, इसमें किसी का दोष नहीं है, उनका विरोध करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही है, लोगों के विश्वास है, सारी चीजें, और अब आप उसके खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, एक किस्म से ये उसके खिलाफ है मामला, तो उनका विरोध। लेकिन कई ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि एक बच्ची ने अपने दादाजी का अंशरूपण में 4-5 दिन तक अपनी जीन्स के पैंट में जेब में रखी रही, वो घर में निकाल के उसकी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूं, वो अपने जीन्स के पैंट में रखी रही, छुपा के रखी रही। हमारे सुरेंद्र भाई पटेल है, उनके गुजरात में किसी का चाचा के बेटे का किसके चाचा जी का कहीं देहावसान हुआ, उनके बेटे से उन्होंने कहा कि तुम ले आना, तो बड़ी मुश्किल से ला के रखा उन्होंने और किसी को नहीं बताया। जब ये वहाँ पहुंचे तो इन्होंने उनसे पूछा, देखिए शब्द देखिए इन्होंने क्या पूछा, तो पवित्र भस्म के लिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से लोग कर रहे हैं। उन्होंने बड़े धीरे से उससे पूछा, तो वो माल कहाँ रखा है, है ना, तो माल शब्द प्रयोग किया गया था वो पवित्र भस्म के लिए, तो उन्होंने बोला ये है मेरे पास रखा, ताकि लोगों को पता ना चले। 11th आवर में बताया कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर लोगों ने, मतलब उनका आशय यह था कि लोग अब तो स्वीकार कर ही लेंगे, तो इस तरह से भी कर रहे हैं लोग। लेकिन कई जगह बहुत विरोध भी हो रहा है, हमें जैसे किसी ने अंशरोपण के लिए बुला लिया, तो हम अंशरोपण की पूरी तैयारी से उस घर में पहुंचे और हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, हमें भगा दिया गया। आप ये समझ सकते हैं, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ अंशरोपण नहीं होगा, ये भी है। लेकिन वही ताकतवर लोग भी है जो बैनर लगा रहे हैं, अपने शोक संदेश में लिख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जब हम अंशरोपण की बात करते हैं, वो आके हमसे बोलते हैं कि सर आप 15 दिन पहले अगर मुझे पता चल जाता तो मेरी माँ का देहावसान हो जाता, तो मैं अंशरोपण करता। ऐसे लोग बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं आप। इसके बाद जो है तो जो वैश्विक समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण समस्या है जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की समस्या कही जा सकती है। आतंकवाद को माना जाता है कि ये बड़ी समस्या है, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है, जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, और कहीं ना कहीं जब एक और कई सारी समस्याएं हैं जो तापमान से जुड़ी हुई हैं, तब ये समस्याएं कहीं ना कहीं आतंकवाद जैसी समस्याओं के सामने बहुत बहुत बड़ी सामने आती हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को युवाल नोआ हरारी दुनिया के इस समय सबसे ज़्यादा मान्य लेखक के रूप में माने जाते हैं और विचारक के रूप में माने जाते हैं, उनका एक बड़ा कोटेशन बड़ा फेमस हुआ है कि अगर आप जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आप उनसे 10 मिनट बात करते हो, 10 मिनट में उन्होंने जलवायु के ऊपर बात नहीं करी, तो उनसे कभी जिंदगी में बात मत करिए। जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं देश को, दुनिया को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो या कोई और, है ना, अगर वो नेतृत्व दे रहे, छोटी छोटी चीजों को भी नेतृत्व दे रहे हैं, और अगर वो जलवायु की बात नहीं करते 10 मिनट के अंदर, तो आप उससे बात मत करिए, उससे दोस्ती मत करिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बच्चों को आने वाले अभी हम लोगों को देखने में पड़ी, वो जलवायु परिवर्तन है। कहीं ना कहीं पिछले 5-6 वर्षों की अगर हम बात करें तो गर्मियां ज्यादा हो रही हैं, ठंडी के मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, बरसात का समय पीरियड चेंज हो रहा है, तो अभी से वो समस्याएं काफी विकट हो रही हैं। हो ही चुकी हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपके हाथ से सब कुछ निकलता हुआ निकल ही चुका है।
और अभी भी अगर आप नहीं चेत और सरकारें नहीं चेत रही, यानी ये सच्चाई है कि जो सरकारें हैं, जो संगठन है, इसलिए हर एक व्यक्ति को इस पे चर्चा करनी चाहिए, टेबल टॉक का विषय होना चाहिए जलवायु परिवर्तन। ये आतंकवाद, जात पात, देश, ये सारी चीजें, ये बहुत गौण है इसके आगे। इस चीज को समझ नहीं रहे हम लोग, या समझ के भी हमें आंख बंद करने की आदत सी पड़ी हुई, भ्रम में जीना हमें बहुत अच्छा लगता है, ये मामला है। और हम लोग कभी भी एक पीढ़ी ज्यादा का सोचते भी नहीं, अभी तो वो एक पीढ़ी के लिए भी सोचना बंद हो गया है ना। हमें कम से कम 200 साल का प्लान बना के काम करना पड़ेगा, और इसके लिए जलवायु से बड़ा, इससे देखिए सर, इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं कोई। और कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि अगर अब हम नहीं चेते तो शायद 200 वर्षों की बात, क्या ये शताब्दी हमारे लिए आखिरी शताब्दी साबित हो सकती है? मनुष्य जो है ना, ये आखिरी वो रहने वाला है, इसका और कुछ होना नहीं है, क्योंकि कुछ भी बहुत मुश्किल है। हालांकि मनुष्य पे यकीन तो करना होगा कि वो बाकी चीजें, लेकिन ऐसा भी कब तक आप यकीन करेंगे कि अपने सामने इतना बड़ा वो देख रहे हैं आप और कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, और अभी भी कुछ मुट्ठी भर लोगों के ऊपर डिपेंड, आप क्यों नहीं निकलते, हर व्यक्ति क्यों नहीं निकल रहा है इसके लिए? इसलिए हम चाहते हैं, हम रोज एक पौधा लगाते हैं, जन्मदिन पौधा, और कम से कम हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे ना। सरकारों से बहुत उम्मीद मत करिए, क्योंकि उनके अपने अपनी सीमाएं हैं, किसी भी संगठन की या किसी भी कदम संस्था की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन व्यक्ति है उसकी क्या सीमा होगी, कर सकते हैं। 8 अरब लोग मिलके कैसे नहीं इस समस्या का चुटकी भर में निदान कर सकते हैं? 8 अरब लोग एक पौधे भी लगा दिए जाए तो 8 अरब पौधे लग सकते हैं, लेकिन सबको निकलना होगा। अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे वृक्षारोपण को लेकर के, या आगामी भविष्य की समस्याओं को लेकर के? आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, तो बस निष्कर्ष स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी सीमाओं में, कम से कम वो काम जरूर करें अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए, इस ब्रह्मांड को बेहतर बनाने के लिए। जैसे मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने कहा यार एक पौधा ही लगाता हूँ, है ना। आप भी अपना जन्मदिन पौधा रोक के मना, मैं आपके माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपका ये प्रकल्प चल रहा है, ये अनवरत अनंत काल तक ये प्रकल्प चलता रहे, और निरंतरता के साथ, सफलता के साथ नव सोपानों को गढ़ता रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की साक्षात्कार को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।